क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में सोयाबीन की खेती की लागत और एमएसपी के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। आज का किसान एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है, जहां उनकी लागत लगातार बढ़ रही है लेकिन एमएसपी में उतनी बढ़त नहीं है। इस असमानता ने किसानों को सड़कों पर उतार दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले एक दशक में सोयाबीन की खेती की लागत कैसे बढ़ी और एमएसपी के साथ इसका मुकाबला कितना कठिन हो गया है। सेक्शन 1, समस्या की जड़। हमारे देश में सोयाबीन बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के किसान सालों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों से सोयाबीन के दाम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। 2013 में भी सोयाबीन की कीमतें लगभग वही थी जो आज है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि इस दौरान खेती की लागत में तेजी से इजाफा हुआ है, जैसे कि बीज का खर्चा। उन्नत प्रजातियों की बीज की मांग बढ़ने से उनकी कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। खाद और उर्वरक की कीमत में भी वृद्धि हुई है। मजदूरों की मजदूरी का बढ़ना, कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी के कारण ये समस्या और भी बढ़ गई है। डीजल, जो सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों के बजट पर दबाव और बन गया है। फसल को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और खरपतवार नाशक के दाम में भी काफी उछाल आया है। सेक्शन 2, वर्तमान स्थिति। सोयाबीन का बाजार मूल्य। इस साल सोयाबीन का बाजार मूल्य मात्र 3500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि सरकार ने एमएसपी 4892 रुपए निर्धारित की है। किसानों की मांग। किसानों ने एमएसपी को बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल रखने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यह कीमत ही उनकी सोयाबीन की लागत का सही मूल्य है। सेक्शन 3, सरकार पर आरोप। किसान संगठन का आरोप है कि सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट पक्ष में झुकी हुई है। उनका कहना है कि सोयाबीन के निर्यात पर रोक और आयात की नीति से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे बाजार में कीमतें गिर रही है। इसलिए सरकार को किसानों के हित में कदम उठाने होंगे। सेक्शन 4, किसानों की रणनीति और आगामी कदम। 1 सितंबर से किसानों ने गांव में पंचायत स्तर पर ज्ञापन सौंपना शुरू कर दिया है। अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। कंक्लूजन। अब यह बात सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। जब हमारे अन्नदाता समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इससे पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इस समय की आवश्यकता है कि हम सभी इस मुद्दे को समझें और सरकार और संबंधित विभागों से उचित कदम उठाने की अपेक्षा रखें। आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस मुद्दे पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया होगा। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण विषय को समझ सकें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।